सरफेस है इसके यदि हम बेस माने इट सपोज दिस इज अ बेस तो यदि बेस है तो इसके परपेंडिकुलर जो फोर वॉल्स होंगे इसके परपेंडिकुलर जो फोर सर्फेस हैं उनको ही बोलते हैं लेटर सर्फेस एरिया कहने का मतलब है कि ये जो एरिया है ये जो ये एरिया है ये वाली ये लेटर सर्फेस एरिया में आएगी और ये भी एरिया जो है ये भी आएगी लेटर सर्फेस एरिया में ठीक है पीछे वाली इसके पीछे वाली भी आएगी और ये जो सरफेस है ये वाली ये भी जो है पूरा लेटर सर्विस एरिया में आएगी मतलब तो चारों तरफ का जो एरिया होगा वो लेटर सर्विस एरिया में आएगा ठीक है नीचे वाला छोड़ देंगे हम नीचे वाला नहीं होगा होगा बस फोर वॉल्स का चारों तरफ के जो वाल का जो एरिया होगा वही बोलेंगे हम क्या लेटरल सर्विस एरिया वो दे दिया है थर्टी मीटर स्क्वायर और ऊपर और नीचे का नहीं दिया हुआ है और पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस्ट तो नीचे का कितना एरिया होगा ये पूछ रहा है और हमें एक बात पता होना चाहिए कि जो नीचे का जो बेस का जो एरिया है मतलब इसका जो एरिया है ये जो व्हाइट कलर मैंने किया है उतना ही सीलिंग का भी एरिया होगा ठीक है तो यही दोनों एरिया बस छूट गया है किसमें लेटर सर्विस एरिया में लेटर सर्विस एरिया में और सारी एरिया होती है बस यही दोनों बेस और सीलिंग का एरिया जो है नहीं होता ठीक है इतना समझ गए अब यहाँ पर जो दिया हुआ है अब उसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे समझ लेंगे सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर सोल्यूशन अब यहां दिया हुआ है कि टोटल सर्विस एरिया मीटर स्क्वायर तो टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है फिफ्टी मीटर स्क्वायर तो लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा फिफ्टी मीटर स्क्वायर इट इंप्लाइज देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया कि एरिया ऑफ इट्स फोर वॉल्स एरिया ऑफ लेटरल सर्विस अच्छा हम यहां पर ऐसे कर सकते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स मत लिखिए, आप लिखिए यहां पर लेटरल सर्विस एरिया ठीक है लेटरल सर्विस एरिया प्लस एरिया ऑफ इट्स बेस प्लस एरिया ऑफ इट्स सीलिंग तो एरिया बेस और सीलिंग का जो एरिया है दोनों सेम है इक्वल है तो हम लिख देंगे टू टाइम्स एरिया ऑफ इट्स बेस ऐसा लिख सकता है ना तो ये इन्हीं दोनों को जब मिलाएंगे एरिया लेटर सर्विस एरिया प्लस टू टाइम्स एरिया ऑफ इट्स बेस तो टोटल सर्विस एरिया आ जाएगा और टोटल सर्विस एरिया कितना आएगा फिफ्टी मीटर स्क्वायर है कि नहीं तो यदि आप ये समझ चुके हैं तो कुछ अब दिक्कत नहीं है लेटरल सरफेस एरिया दे दिया है यहाँ पर थर्टी मीटर स्क्वायर तो यहाँ लिख लेंगे इसकी जगह पे थर्टी मीटर स्क्वायर मींस फोर वॉल्स है थर्टी मीटर यही आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ इट्स बेस और ये फिफ्टी मीटर स्क्वायर होगा तो अब क्या करना है कि यहाँ पर टू टाइम्स एरिया ऑफ इट्स बेस इधर रखे रहेंगे थर्टी मीटर स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा फिफ्टी माइनस थर्टी मीन्स ट्वेंटी मीटर स्क्वायर राइट तो अब यहां से हम टू को ट्रांसपोज कर देंगे इधर और फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ एरिया ऑफ बेस। क्या हो जाएगा ट्वेंटी अपॉन टू टू वन जर टू और यह जाएगा मतलब आ जाएगा टेन मीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ इट्स बेस कितना आ जाएगा टू मीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर सॉरी टेन मीटर स्क्वायर ओके तो आप समझ चुके होंगे कैसे मैंने किया और यही आपका कॉन्सेप्ट है यदि आप समझ जाए समझ गए होंगे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय